अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी? अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट शॉट्स कैसे कैप्चर करते हैं वीवो V11 प्रो से, वो वाला मैं दिखाऊंगा आपको। सेल्फी कैमरा का भी देखेंगे अगले वीडियो में, एंड इस वीडियो में रेयर कैमरा यानी जो पीछे कैमरा है ड्यूल कैमरा सेटअप, इससे कैसे आप बेहतरीन इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं कोई भी पर्सन का हो, तो ये वाला हम जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करेंगे तो ज़रूर हेल्प होगा हमारे चैनल को। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारे वीवो V11 प्रो के रिलेटेड कैमरा सेटिंग्स हो, कैमरा टिप्स एंड ट्रिक्स हो मैंने शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज देखते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं वीवो V11 प्रो से। सो गाइस, ये है डिफ़ॉल्ट कैमरा यूज़र इंटरफेस। जब भी आप ऐसे कैमरा आइकॉन पर टैप करेंगे तो यही डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस मिलेगा। तो एक कैसे पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छी तरह से कैप्चर करना है, तो ये है हमारा जय, आप मिलिए इन जय से। तो ये है नया सब्जेक्ट हमारा, ऑफ कोर्स इसका बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट शॉट्स हम निकालेंगे अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट एज ए बैकग्राउंड मैंने ऐसे जो पेड़ है, जो लीव्स है अच्छी तरह का, तो वैसे वाला लिया हूँ। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं ये हमेशा पीछे बैकग्राउंड की तरह ही रहना है, ना कि इसके साथ आप जुड़े रहकर फ़ोटोज़ नहीं खींचना है। तो क्या करना है इसके लिए, सब्जेक्ट को सामने आना पड़ेगा। तो जय थोड़ा सामने आओ, तो ऐसे आपको लेना है, अभी ये सामने आ गया ना, तो इसके सब्जेक्ट और पीछे बैकग्राउंड में आपको डिफरेंस रहना चाहिए। तो एटलीस्ट बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच अराउंड 2 to 3 feet का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे सामने आकर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स लेना है। तो अभी देखिए हम लाएंगे कैमरा यूज़र इंटरफेस वीवो V11 प्रो का। तो इसमें कैसे अभी पोर्ट्रेट फ्रेमिंग लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एनेबल करना है ग्रिड लाइंस। कोई भी मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं उसमें मैंने ग्रिड लाइंस की हमेशा बात की है। तो ग्रिड लाइंस यहाँ से एनेबल होता है सेटिंग से फ्रेमिंग लाइंस जो है इसको एनेबल करना है। जब ये येलो रहेगा तभी जाकर ये आप जो लाइंस देख रहे हैं इसके मदद से आप बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेमिंग बना सकते हैं। तो इसके मदद से क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ये वाला सारा चीज़ गलत है, गलत फ्रेमिंग बोलते हैं इसको। तो कोई भी बॉक्स में आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये दो जो लाइंस मिल रहे हैं ये मैं यहाँ पर इसके आँखों पर रख रहा हूँ, तो ऐसे आपको यूटिलाइज़ करना है। अभी क्या होगा देखिए कितना अच्छा फ्रेमिंग आ रहा है ना। तो अभी जाकर अगर मैंने पिक्चर लिया रेडी चाहे स्माइल, तो देखिए ये वाला एक प्रोफेशनल की तरह पोर्ट्रेट कैप्चर करने का है। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड है उसके साथ ही आप मिलकर ऐसे ही कैप्चर करें कैसे भी आए, वैसे नहीं करना है आपको, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेमिंग। तो अभी और एक एंगल में हम लेंगे इसका, तो जाए पोज नंबर 2। तो देखिए अभी ऐसे एंगल्स कैसे ले सकते हैं आप, तो अगर फुल चाहते हो तो फुल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर गौर करना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, तो उसके आधार पर हमेशा एंगल स्ट्रेट रहना है। मैंने ऐसे नहीं पकड़ा हूँ, ऐसे नहीं पकड़ा है, तो देखिए बिल्कुल जो सब्जेक्ट है उसके आँखों के लेवल पर कैमरा लेंस आना है, एंड रेडी जाए स्माइल, तो बन गया पोर्ट्रेट शॉट। तो ऐसे आपको कैप्चर करना है। आपने गौर किया होगा कोई भी मैंने डिफरेंट वैरायटी का सेटिंग अभी यूज़ नहीं किया हूँ, तो ये है नेचुरल जो टेक फोटो मोड पर है। अभी इसको क्या कर सकते हैं, वीवो V11 प्रो में आपको ये आई पोर्ट्रेट फ्रेमिंग दिया है, तो इसको एनेबल कीजिएगा। इससे वो देखिए जो भी सजेस्ट यू लोअरिंग योर फ़ोन, तो आपको सजेस्ट करेगा कि एंगल कहाँ पर लाना है, तो इसके मदद से भी ऑटोमेटिकली वो देखिए कैप्चर हो गया। तो वीवो V11 प्रो में ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे सेटिंग्स देते हैं, आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन देखिए पोर्ट्रेट बोके, ये तो पता होगा आपको, लेकिन पोर्ट्रेट बोके अच्छी तरह से कैसे यूज़ करें बैकग्राउंड में, जो ब्लर होने के लिए आपको बैकग्राउंड से दूर अराउंड 2 to 3 feet जैसे कि मैंने कहा उतने दूर में रहकर आपको सामने आना है, एंड बाद में क्लिक करना है। ऐसे नहीं कि उसके साथ ही रहकर वहीं पर क्लिक करें, अगर ऐसे करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा आपको अच्छी तरह से। तो देखिए अभी फ्लावर्स भी अच्छी तरीके से दिख रहा है, एंड इवन बोके मूड भी अच्छी तरीके से आता है। तो रेडी जाए, यस ऑसम। तो देखिए विथ पोर्ट्रेट बोके एनेबल्ड, और इसका खासियत यह है कि पोर्ट्रेट बोके पर आप बाद में भी पोर्ट्रेट बोके पर टैप करेंगे तो टैप एनीवेयर, तो रीफोकस कर सकते हैं ऐसा,
एंड इवन नंबर जैसे बढ़ाएंगे उतना शार्प होगा, कम करते जाएंगे नंबर को तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होगा, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। तो ऐसे आप यूज़ करके अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर करना है। सो गाइस अभी हम अगला मोड यूज़ करेंगे। देखिए अगला मोड यूज़ करने के लिए यहाँ पर ये आई फेस ब्यूटी है, ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट बोके यहाँ पर भी है। यह फेस ब्यूटी में बेसिकली जो भी फेस के फीचर्स होते हैं उस पर इम्पोर्टेंस मिलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर टैप करेंगे तो देखिए बफिंग है, स्किन टोन है। स्किन टोन पर टैप करके हम ऐसे मूव करेंगे, पिंकिश होता है या फिर वार्म कलर्स या फिर इवन कूल कलर्स, तो जैसे अपने को चाहिए वैसे कर सकते हैं। वैसे ही वाइटनिंग, तो स्किन वाइटनिंग करना है जय का तो देखिए स्किन वाइटनिंग कर सकते हैं। थिन फेस तो चौड़ा दिख रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ से थिन फेस कर सकते हैं, तो देखिए कैसे थिन होता है। स्लाइटली चेंजेस रहता है हमेशा क्योंकि फेशियल फीचर्स है तो वेरी इंपॉर्टेंट से बनाए रहते हैं, तो आपको ये ध्यान में रख के कैसे चाहिए वैसे देखिए कैसे चेंज होता है, लाइव आपको मिलता है। एनलार्जिंग आइज है, आई स्पैन है, थिन नोस है, तो जैसे चाहिए अच्छे पिक्चर्स आने के लिए वैसे आप बिल्कुल इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम देखिए फ्रेमिंग इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। जो यहाँ पर दो लाइंस मिल रहा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का, तो इस पर हम आँखों पर रखेंगे उसका पोज नंबर 3। ओ यस, देखिए ऐसे आँखों पर लेना है, एंगल बनाना है एंड बूम देयर यू गो, ऐसे पिक्चर्स क्लिक करना है। पोर्ट्रेट बोके को यूज़ करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा यहाँ पर जो है डिस्टेंस रखना है, तो थोड़ा सामने आ जाए और थोड़ा, एंड यहाँ से अभी देखिए पोज नंबर 4। यस, देखिए ये वाला स्टाइल है ना अभी, तो पोर्ट्रेट बोके में बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर करता है। टैप टू फोकस यूज़ करना है आँखों पर, देन क्लिक अ पिक्चर, यस रिलैक्स जाए। तो पोर्ट्रेट बोके कैप्चर करने के लिए ऐसे सेटिंग्स को आप यूज़ करके ज़रूर क्लिक करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं अपने पोर्ट्रेट पिक्चर्स में। तो सेल्फी से कैसे अच्छे पिक्चर्स लेना ये मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।